পিয়াজে কন্দুৱাইছে গ্ৰাহকক সেনচুৰি কোবোৱাৰ দিশে পিয়াজ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ চৰকাৰ এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ বজাৰ এই বজাৰত পিয়াজ আজি প্ৰতি কিলোত 70 টকাকৈ বিক্ৰী হৈ আছে বিগত 4টা দিনত 30ৰ পৰা 40 টকা বৃদ্ধি পাইছে পিয়াজৰ মূল্য प्याज नवरात के आखिरी दिन उससे बढ़ना शुरू हुआ है। अभी 3-4 दिन में ये 40 रुपये से सीधा 70 रुपये किलो हो गई। 35 अभी सुनने में आ रहा है कि 100 रुपये तक किलो जाएगा, बाकी अभी तक हम बता नहीं सकते बाजार में। और जैसे हो जाए ना इसका महंगा हो गया, जो माल बाहर से कम आ रहा है बाबू जी, जी ये वजह से महंगाई हो रही। बड़ा महंगा मिला ये, एकदम से 20-30 रुपए से एकदम से 70 हो गया, और प्याज की क्वालिटी भी एक नंबर की घटिया है। क्या मजबूरी है लेना है भाई, वो भी एक बहुत दिन बाद लिया है। मुंबई टू एके दृश्य आज मुंबई टू 70-80 टका कोई बिक्री होए से प्याज। आपका नाम बताइए। संतोष नाम है। प्रतिक्रिया क्या, अभी गवर्नमेंट देखना चाहिए उसको, भाव कम करना चाहिए, जितना होगा उतना कम करो। अभी हम लोगों को तो कांदा लेना है, ऐसे तो खाना ही है, तो कितना ही है कि जो एक किलो खाते तो आधा किलो खाएंगे, अब ज्यादा क्या कर सकते हैं उसको। वो हर जो 10,000 रुपए कमाने वाला वो तो नहीं कर सकता ना, इतना उसको परवड़ेगा ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर मतलब हर जो आम इंसान है वो कैसे जिएगा। दिल्ली और गाजियाबाद तो एक ही दौरत बिक्री हुई से प्याज पहले 40 रुपए किलो चल रही थी, अब वो 70 रुपए किलो हो गई है 4 दिन के बाद। क्या करोगे फिर, इससे ज्यादा हम कर ही कह सकते हैं, ज्यादा बेचते थे कम बेच लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्याज कम हो जाती है क्योंकि एक साल पहले पैदा होती है प्याज, इस चक्कर में अब आगे खत्म हो जाती है सारी प्याज। जब तक नई प्याज नहीं आएगी तब तक प्याज सस्ती नहीं हो सकती है। प्याज पुरानी फसल है, ये फसल खत्म होने वाली है, जब तक नई फसल नहीं आएगी जब तक रेट कम नहीं है। 8-10 दिन पहले 20 रुपए किलो प्याज थी, जो मंडी में आज 75-80 रुपए किलो प्याज है, और आने वाले 4-5 दिन में 100 रुपए से भी ऊपर हो जाएगा। देखो आन स्थान और समांतराल कोई बांगालुरु तो वृद्धि पाइसे प्याज और मूल्य। अभी हमारा भी धंधा कम होता है, हमारा भी धंधा कम होता है, कितना 70 रुपीज केजी हो तो हमारा को धंधा कम हो गया, ज्यादा कम हो तो व्यापार कम होता, रेट कम हो तो व्यापार ज्यादा होता। प्याज और मूल्य वृद्धि হৈছে যদিও কৃষক এতিয়াও ইয়াৰ সুফল লাভ কৰা নাই। मेरे को ये बताओ पहले प्याज के दाम कब बढ़ी, अभी बढ़े ना, कितने दिन हुए? किसान का मवाल पूरे तरह से खराब हो चुका है भैया, और जब सबके पास किसान के पास प्याज था तब केंद्र सरकार ने 40% उस पर निर्यात शुल्क लगा दिया, उसी टाइम सबको सब किसान को पैसा मिल जाता। अभी किसान के पास कुछ प्याज बचा नहीं है, एक जो पास थोड़ी चार दो चार हर जिले में हर तालुके में हर गांव में खाली 2-4 किसान के पास प्याज बचा है, पूरा प्याज खराब हो गया। इसीलिए 2-4 किसान के पास पैसा मिल रहा है, अभी पूरा किसान के पास प्याज नहीं है। পিয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, বৃদ্ধি কৰিলে আমদানি শুল্ক, প্ৰতি টনত $800 বৃদ্ধি শুল্ক, আমদানিকৃত পিয়াজৰ মূল্য হ'ব প্ৰতি কেজিত 67 টকা, আমদানি হ্ৰাস কৰি মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ। কিছুদিন পূৰ্বে বিলাহীৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত পিয়াজৰ অতিৰিক্ত ভঁৰাল সৃষ্টি কৰিছে। মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া এইসমূহ ৰাজ্যৰ পৰা পিয়াজ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। শীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে পিয়াজৰ মূল্যই 100 টকা অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।